रंजीत पांडे, क्या कमाल कर रहे हो रंजीत पांडे। तीन चार खिलाड़ी को भेज करने के बाद अब ठाकुर किसको ढूंढते हुए ऐसे लगता है कि ठाकुर के पैर में। और ये ठाकुर किसको का खिलाड़ी को आज शामिल किया है बम बम भोले संतोष ट्रॉफी खेलकर आए हैं ये खिलाड़ी। क्या यहाँ पर नीली पोशाक के साथ आज कुछ भिन्न करने के लिए अनहोनी करने के लिए जी भाई एफसी आई है ये देखना होगा। बने रहे यहाँ मेरे साथ एक बेहतरीन मुकाबला पर शिखर तक जाने के लिए शिखर तक पहुंचने के लिए दोनों टीम के पास ये मौका है और ये कारनामा कर चुकी है। आप फुटबॉल की इतिहास को अगर खंगाल कर देखें तो ये टीम आपको मिल जाएगी डिजिटल सेवा के नाम पर और ये टीम काफी समय ये टीम को परास्त कर चुका है डीसी चंडील को। क्या आज भी ये पहाड़ जैसे लक्ष्य को सफलता के साथ प्राप्त करेगी या फिर विकास के साथ सुनील घनश्याम जैसे अनुभवी खिलाड़ियों के जादू देखने को मिलेगी। बहुत रचक माहौल संघर्ष स्थिति। चलिए मैदान के अंदर आते हैं। लल्लू तो बेंच में है। सबसे पहले मैं परिचय दे पीले पोशाक के साथ बम बम भोले और नीली पोशाक के साथ जी आज एफसी फिलहाल डिफेंडर इस वक्त अपने ही चाहते के लिए गेंद को सरकाया कमेंट बॉक्स के सामने से 13 नंबर जैसे बम बम भोले की अपने ही सेंटर फॉरवर्ड के लिए सेंटर फॉरवर्ड के लिए धीरे यहाँ पर एक किलो को बीट करने के बाद मौका हो सकती है। करीब आ चुके हैं डिफ्लेक्शन यहाँ पर डिफेंडर की किसको इस मैच की परिचालक इसी तरफ से यहाँ पे अगला टीम है जहाँ पे बड़े भाई हनुमान जी ने यहाँ पर जिक्र कर चुके काफी बार है काफी मरतबा ये टीम है और ये पहला मौका लेकिन सुनील लोहार ने यहाँ पर गवा दिए। ये टीम की बात किया जाए जी भाई गोलकीपर रामदास हास्ता जैसे चर्चित गोलकीपर मंजय मुर्मू कैप्टन बुद्धेश्वर सिंह दीपा के उड़ान सुनील लांगे फिर से हास्ता विजय मुर्मू ये अच्छे से खिलाड़ी की मौजूदगी यहाँ पर टीम है जी भाई के पास में मौजूद है और जी भाई की टीम है कि अगर बात किया जाए तो आज उनके लिए भी एक चुनौती रहेगा लेकिन अगला टीम नए अध्याय लिखने के प्रयास करेंगे। यहाँ पे सुनील ने कमाल यहाँ पर असिस्ट किया था विकास नायक के लिए लेकिन विकास नायक स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी कहने के बन चुका था और ये चीज को देखते हुए राकेश किसको ने कहा कौन क्योंकि आपके पास ही गेंद है सुनील ने आज मैं देख रहा हूँ अपना जो अंतिम मुकाबला गेंद लेकर के निकल गए यहाँ पे रंगलाल को फिट करने के बाद इस दरमियान गेंद को फट किया फुटबॉल टीम जी भाई और हल्का स्पिन पास जी भाई के प्लेयर के पास से गेंद सीधा क्रॉस किया गया है गोल की पार कह रहे हैं उछाल भरते हुए रन भरते हुए बबलू सोरेन कलेक्ट करते हुए रंजीत पांडे के लिए आप अनुमान लगा सकते हैं टिकायत कलकत्ता लीग उड़ीसा की ओर से संतोष ट्रॉफी खेलने वाले जयंत महतो को यहाँ पर बेंच पर बिठाया गया है बम बम भोले की ओर से यानी कि उनकी किस तरह की प्लेइंग लाइन की अगर बात किया जाए और बेंच स्ट्रेंथ की बात किया जाए धन्यवाद करना चाहूंगा उनकी टीम मैनेजर जिस तरह से टीम सेट किया है यहाँ पर सुनील जिनके पास गति है और जिन्होंने कद के सहारे बहुत कुछ हासिल कर चुके हैं। मैं ये बता दूं ये एक ऐसे खिलाड़ी है जिनके पास कद बहुत ही छोटा है उसके बावजूद शांत स्वभाव के खिलाड़ी इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय की अगर बात किया जाए तो माराडोना मेसी के साथ ये समकक्ष होंगे ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ी जी भाई एमसी ऐसे लग डल को नहीं है भाई लोग भाई जी संदास से ये खिलाड़ी के डीसी डीसी करते हो डीसी में दिखाना चाहिए ऐसे लग डल को कुछ क्या भाई लोग आप मजाक कर रहे क्या और पूर्ति के साथ इनका काफी अच्छी दोस्ती आ रही ये है रंजित और रंजित के खिलाफ सामने रंजित का पहला आक्रमण शॉट लेकिन सही कनेक्ट नहीं हो पाया यहां पे लेकिन जिस अंदाज से ये खेल को फीड करने के बाद रंजित पांडे जो निकले हुए थे और यहाँ पे लाइव ऑफ हरीस स्पोर्ट्स बीबीएस स्पोर्ट उनके साथ साथ थ्री एक्स प्रोफेशनल स्पोर्ट पर आप देख सकते हैं इस मुकाबला का लाइव मुकाबला सुंदर क्रॉस की आवश्यकता था लेकिन वहां पर बबलू सोरेन और यहाँ पर मजबूर किया बबलू वाला सोरेन को
बबलू सोरेन के लिए आना पड़ा। डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ दो दो मरतबा खेल चुके हैं, सिस्टम पार्टी के पूर्व ही सिस्टम पे सरकार के लिए खेल चुके हैं। यहाँ पे विकास है, बढ़िया से जब सुनील कद छोटा लेकिन रंजीत यहाँ पे खेल रहा है। बहुत ही कमाल का आशीष रंजीत, मेहनत करके गेंद को लेकर गए हुए थे यहाँ पर छक्कों और इतने कमाल का यानी गोल लाइन क्लोज हो चुके थे, पोस्ट क्लोज हो चुका था, समझ चुके थे सुनील है। और यही तो है बुद्धिमान है कहीं कहीं जिससे सूझबूझ बना यहाँ पर काम किए वो काबिलियत तारीफ विकास आए। दुल्लू डिफेंडर दुल्लू टीम में काफी चर्चित खिलाड़ी सुनील आगे को बीट करने का प्रयास कर रहे थे लेकिन यहाँ पे ठाकुर किसको आप दोबारा देख लीजिए काफी चर्चित मिडफील्डर अटैकिंग मिडफील्डर है, होल्डिंग के साथ साथ अटैकिंग के लिए भी निकलते हैं जो कि ठाकुर किसको। लेकिन ये मुकाबला पर अभी तो पूरा फीलिंग बाकी है क्योंकि अगला टीम जी भाई, ये जी भाई भी कम नहीं है जिस प्रकार से यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं पूरी तरह से मेहनत करते हुए आवाज आएगा पीछे से बहुत ही दिलचस्प पोजीशन पर यहाँ पर फेंकी जी भाई एफ सी का नाम जिस तरह से जंप आर्ट ऑन अपोनेंट क्या रिटर्न गोल आएगी। मैं बता दूं एक टीम आज गोल खाने के बाद भी वापसी किया और जीत हासिल किया चैंपियन चैंपियन, क्या ये सिलसिला को दोहरा पाएगी जी भाई एफसी। एक विशेष डिफेंड लाइन और विशेष गोल कीपर को यहाँ पर बीट करना होगा। रिप्ले देख लीजिए आप दोबारा बैक करके विकास नायक का पहला गोल राइट फुटेड प्लेयर क्रोसिस क्रॉस बार से काफी ज्यादा दूर और ये गोल किक 1-0 से आगे बम बम भोले की टीम। इस मैच का कीपर में बबलू दूसरे चक्र की पहला मैच द्वितीय चक्र रन प्रथम आयास माई सिरपानी एक्स एवं स्पीड बूस्टर प्रस्तुत रही में स्पीड बूस्टर एवं सिरपानी एक्स आप तैयार हो जाएंगे अगला मैच के लिए। ये है पहला चक्र का अंतिम मैच नीली जर्सी के साथ जी भाई एक्स लंबी बॉल हेड के माध्यम से दिशा को यहां बदलने की कोशिश किया गया। सब्सक्राइब करते जाइए भाई लोग, लंबी बॉल इनसाइड पर राइट भी लोग जुड़ रहे हैं यहां पर सुनील को खोजते हुए और सुनील दाएं जर से अपने प्रतिभा निकालते हुए विकास के लिए पास निकाला विकास दोनों की जोड़ी बहुत बेहतरीन क्या मौका रहेगा सिरे पर लेने के बाद एक अच्छी मौका क्या शॉट आएगी रंजीत आ चुके हैं खलबली मच गई पेनल्टी विकास नायक का दूसरा गोल रंजीत का बहुत ही अच्छा असिस्ट था। ज्यादा वक्त लगा नहीं यहाँ पर स्कोर में कहने के 2-2 कर चुका हटिया में बम बम भोले। ये एक ऐसी टीम है झारखंड क्षेत्र में हर
दर्शक का चाहता टीम को की आज बम बम भोले के नाम से खेलते हुए उनकी पहचान देसी संडे जिनका नाम पूरे बंगाल उड़ीसा झारखंड में डंका बजा हुआ है। आज एक बड़ी सूचना टीका जी, एमडी रुस्तम जी ने यहाँ पर ऐलान कर दिए हैं कोई भी खिलाड़ी व्यक्तिगत रूप पर पूरे टूर्नामेंट के दौरान हर एक हैट्रिक के लिए 1000 नगद राशि घोषणा कर चुके हैं। एमडी रुस्तम जी को भी धन्यवाद करते हैं। कोई भी टीम की ओर से अगर हैट्रिक गोल दागते हैं एक खिलाड़ी हर एक मैच पर कोई भी मैच पर उनको मिलेगा 1000। निश्चित रूप से मुझे लगता है इस मुकाबले पर विकास नायक क्योंकि दो स्कोर करने के जा चुके हैं विकास भाई लोग। जिस प्रकार से पहला असिस्ट सुनील लोहार के द्वारा, सेकंड असिस्ट रंजित पाटिल के द्वारा, और यहां पे सुनील और रंजित के जो असिस्ट है वो असिस्ट को बेकार होने नहीं दिए। विकास नायक और दो गोल यहां पर डाकते हुए अपने स्कोर शीट पे दो गोल यहां पर डाल चुका है। अब तीसरा गोल की तैयारी कर दिया है, ऐसा लग रहा है यहां पर सुनील लोहार तीसरा गोल के लिए पूरी तरह से जबरदस्त मैच चल रहा है। जिस तरह से फिनिशिंग किया है अर्जुन ट्रॉफी में आया जाएगा भाई लोग, फिनिशिंग यह है रंजित मरंडी इसी भाई अब से परिणाम तीसरे गोल की कगार इनसाइड ऑफ द पेनल्टी एरिया, कमजोर शॉट गोल के पर तैयार थे रमेश प्रताप हास्ता रंजित खिलाड़ी। क्या दो गोल पहाड़ जैसे लक्ष्य को वापसी रिटर्न कर पाएगी जी भाई अब से एक अच्छी मौके हो सकती है। बाबू के द्वारा चिकरीपी अपनी जगह छोड़ते हुए आगे आए, एक संतुलित टीम है बिल्कुल बम बम बोले और संतुलित टीम के तरह यहाँ पर खेलती हुई पहले चक्र पर 2-0 के बढ़त अपने गति के साथ प्रभाव डालते हुए अच्छी क्रॉस रिसीव कर लेता था यहाँ गोल के करार पर ही लेफ्ट देखना बहुत करेगा भाई शॉट ऑफ टारगेट सुनील लोहार खेल रहे हैं भाई जिस अंदाज से पर विकास को पकड़ा सुनील लोहार जो यहाँ पर रंजित मांडी सुनील लोहार भीम है उनको अगर इस साल अगर ये मुकाबला पे वाकई है तो एक अटैकर है लेफ्ट आउट खेलते हैं, लेकिन आज उनका कहने का मिडफील्ड सहयोग करते हुए यहाँ पर निकल रहे हैं ठाकुर किशोर उसी को सहयोग करते हुए बढ़िया सोचा खड़ा सा हूँ सुनने के लिए स्वागत करते तमाम हमारे जितने भी दूरदर्शन आए हुए इस टूर्नामेंट यानी पाकिस्तान क्लब के भी इसको सपोर्ट के लिए मैं उन सबको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आज टूर्नामेंट का पहला दिन में एक से बढ़कर एक टीम में पार्टिसिपेट किए हुए हैं, तो देखेंगे ग्रुप ए का ग्रुप चैंपियन कौन होगा, ग्रुप बी का ग्रुप चैंपियन कौन होगा, जिनको हम फाइनल दिन में पुनः हम उनका मैच देखेंगे। लेकिन ये जो मुकाबला चल रहा है क्या दशा में परिवर्तन कर पाएगा फुटबॉल टीम जी भाई के लिए बड़ा चुनौती ऐलान कर दिया है अपने टीम में क्योंकि बम बम बोले हल्का से ऊपर गेंद को इसके डिफेंडर चार नंबर जैसे पर यहाँ पर मंजय मुर्मू ने यहाँ पर सचिन हास्ता के लिए बोल को अपने कदमों तले रखे हुए हैं और रखने के बाद यहाँ पर सीधा गेंद को सरकाते हुए मीका में दीपक गुलाम के लिए दीपक कुमार यहाँ पर देवभूषण यहाँ पर पुनः गेंद को सरकाते हुए सुनील के लेके सुनील ले आगे कुछ प्रभाव अभी तक डाल नहीं पाए। जिस प्रकार को उनके पैरों में जो गति है वो गति से जो पेट करते डिफेंडर को वो अभी तक पहला हाफ का कहीं कहीं समाप्त हो चुका, लेकिन गति में जो जरूरत है उनसे जो आस है वो आस को अभी तक पूरा नहीं कर पाए सुनील। वहां पे विकास नायक गेंद के साथ समांतर पास खेलते हुए सेल्फ का पास खेलने के बाद सुनील
पास गेंद अश्विन यहाँ पर उसी का आवाज आएगा इसी का आवाज आएगा और यहाँ पर भाईचारे देखिए फिजिकल कॉन्टेक्ट गेम है आपको फिजिकल कॉन्टेक्ट होना ही होना है क्योंकि फुटबॉल खेली है वो और ये चीज यहाँ पर भाईचारा देते हुए टीम कैप्टन बुद्धराम मरु छोटा सा पर उनका द्वारा जो टेका रहा और एक फाउल का मौका यहाँ पर मिलता हुआ टीम बम्बर बनी शॉट लेंगे विकास और दूर से गोल देने क्षमता इनके पास है कमाल की स्विंग कमाल के यहाँ पर स्विंग कर गए थे कि उनको लेकिन घनश्याम के साथ जो रणनीति बना मुझे लगा सर रणनीति यहाँ पर यह था कि मेरे साथ खेले और मैं पुनः मूवमेंट बनाऊंगा घनश्याम को लेकिन हो नहीं पाया और बहुत ही अनुभव डिफेंडर है घनश्याम चर्चित प्लेयर में से एक घनश्याम वर्मा लंबा का ठीक है जो कि पांच नंबर की तरफ जाते हुए पुनः यहाँ पे सुंदर नियंत्रण सुंदर रिसीविंग के साथ गेंद को सेकंड के नीचे पार्टी से चार्ट के बीच में होगा भाई लंबा शॉट दिया गया विषय याद रखें और इस प्रकार के शॉट से कहने के गोल नहीं आने वाला है डीजे बुरो रेडी से चांडे सेकंड राउंड मैच एरिया के अंदर या तो पार्टी एरिया के बाहर से अब तो ट्राई करना होगा अगर शॉट लेने की सोच रहे हैं तीन मैच के बाद आप लोग सोने को गोल डालना मेरे ख्याल से मुमकिन नहीं साहब आपका मन में बोला कि बातें लेकिन मेरे नजरिए से ये नंदलाल रिपेक का ठीक है डिफेंडर झारखंड टीम के संतोष को पीछे ये कैप्टन रहे इस सीजन जो कि रंगला संतोष ट्रॉफी प्लेयर है और झारखंड टीम के कैप्टन और दो दो यहाँ पर अगर देखा जाए जो कि संतोष ट्रॉफी खेले हुए प्लेयर खेले हुए हैं जहाँ पे रंजित पांडे और रंगलाल वर्मा रंजित पांडे क्या कमाल के ड्रिबल रंजित पांडे तीन चार खिलाड़ी को फिट करने के बाद ठाकुर किस को घूमते हुए ऐसे लगता है कि ठाकुर के पैर में और ये ठाकुर किस को का के लिए अगर बात किया जाए तो कहीं ना कहीं डिजिटल सेवा और डीसी चंडील के सर के ऊपर काले बादल छा चुका है टीम जी भाई को ऐसा लग रहा हो कि हर क्षेत्र में कहने के अंधेरा नजर आ रहा होगा क्योंकि सेकंड हाफ का मुकाबला पर और टीमें तीन स्कोर से पीछे और यहां पर विकास और खिलाड़ी को मौका मिलेगा सर आखिरी टच से विकास नायक कर रहा है यही यहाँ पर लखाई का प्ले ग्राइड उनके साथ साथ किसको भी मौसम में मौजूद थे बम बम बोले विकास नायक जिसमें पांच डिफेंडर की क्रॉस लेकिन वहां पे मौजूद है भीम और यहाँ पे हो गए थे क्योंकि बढ़िया बचा और गेंद के तक होते हुए गोल लग रहा है शॉट कॉर्नर के साथ यहां पर पास खेलना शुरू करते हो टीम बम बने चौथा के लिए प्रयास कर कर
और क्या हो सकता बस और खेल इस दरमियान प्ले हो चुका है, तो सब पर वेट करना होगा जो सब्स्टिट्यूट प्लेयर है जो प्रवेश करेंगे लालू स्कोर नया काम सकल सुनील उनको थोड़ा सा इंतजार करना होगा जब तक आउट ऑफ प्ले नहीं होगा तब तक उनको इंतजार करना होगा ग्राउंड में प्रवेश करने के लिए पूरा यहाँ पर जी भाई फुटबॉल टीम जी भाई फुटबॉल टीम ने यहाँ पर गेंद को पकड़ते हुए मैच को स्लो करते हुए टीम है जी भाई कम से कम एक स्कोर यहाँ पर कम बैक करने का प्रयास करेंगे और गेंद लेकर मंगलाल को बीट करने का प्रयास शॉट सबसे बेकार भीम में चैंपियन भीम में क्या बात भीम है हमारा जीता है तीसरा नंबर मैच खेलेगा चैंपियन चैंपियन हेमराम का अपने पोजीशन को बिंदास क्लब बड़ा और उनके जगह में एक नए खिलाड़ी ताजा तंदुरुस्त खिलाड़ी यार स्टाइल है कमाल का जो कि लालू टुडू अगला टीम भी यहाँ पर परिवर्तन रहा है जी भाई की ओर से भीम का बदला आया है लालू टुडू परिवर्तन किया गया है 12 नंबर ग्राउंड के अंदर लिया गया और 16 नंबर को बाहर किया गया है समय बहुत कम है लेकिन कुछ उस समय पे कुछ करना चाहेंगे जी भाई क्योंकि कम से कम एक स्कोर अगर ड्रॉप करते हैं तो जी भाई की टीम है कुछ तो किया ये जरूर प्रयास करेंगे मुकाबला पर कमबैक होगा नहीं होगा वो अलग बात है लेकिन कम से कम एक गोल यहाँ पर अपने स्कोर में सुधार लाने के लिए यहाँ पर डालना होगा और आने वाले जो 3 मिनट के अंदर टीम अगर यहाँ पर एक या दो गोल नहीं डाल पाता है तो जी भाई के लिए मुसीबत फिर से बढ़ जाएगा इस तरह भाई फुटबॉल टीम प्लेयर नंबर 5 नंबर गेंद को चुके हैं हम गुजर इस तरह से आएंगे झीरपाणी फुटबॉल क्लब की टीम में मैनेजर आपसे गुजारिश है कि आप चले आएंगे आपका मुकाबला का समय आ चुका है झीरपाणी एफसी लालू टुडू का यह पहला टच पे कर गए हैं तो सब बेहतर करने का प्रयास करते हुए लालू छोटे खिलाड़ी विकास प्राइमरी डिविजन में सबसे अधिक एक गोल दागल खिलाड़ी और सीधे बच चुका है उस दरमियान मतलब यहाँ पर एग्रेशन की जरूरत नहीं है तो सिटी बच चुका है रेफरी कहने के फाउल दे चुके हैं पहले हरी का टीम है और इसमें फाउल की का मौका मिलेगा फुटबॉल टीम में जी भाई एमसी फास्ट राउंड का मैच जी भाई फास्ट राउंड का डिफेंडर गेंद को छाते हुए और यहाँ पर घनश्याम ऐसे ग्राउंड में तो डीसी तो भाई चक चक खेलेगा और टीम ने स्कोर के बाद टीम में थोड़ा सा इजी खेलते हुए गोलकीपर अभी भी अपने ही पास गेंद करते हुए कलेक्ट करते हुए झीरपाणी एफसी हम चाहेंगे कि आप अपने ख्याल को लेकर आ जाए फुटबॉल क्लब झीरपाणी आपका समय आ चुका है 12 नंबर छोटा पास यहाँ पर घनश्याम के लिए घनश्याम मुर्मू हल्के से बिग पास यहाँ पर रंगलाल मुर्मू के लिए रंगलाल सुनील लालू टुडू आने के बाद कह रहे हैं वो मिडफील्डर के तौर पर यहाँ पर जाते हुए लालू के लिए बेहतर पास में कितनी क्वालिटी पास यहाँ पर देखिए किसी प्रकार के हर बार ने लालू टुडू ने को मिस कर दिया और यहां से टीम में बात किया जाए तो जब पत्थर से यहां पर बाहर से देना होगा टीम में जी भाई को मुकाबला पर अगर यहां पर विकास का सोच और से
अभी भी इन प्ले पर गेंद मौजूद है। प्ले पर अभी भी पास करेंगे, समय यहाँ पर पहला राउंड का मैच पास करेगा टीम पंपक भोले। क्योंकि पंपक भोले यहाँ पर जान चुका है कि हमें बस समय को खपत करना है, ये कहने कहीं पंपक भोले फुटबॉल टीम में जानते हैं। और इस दरमियान अधिक कुछ करने के पास प्रैक्टिस तो अभ्यास होता है, अपने ग्राउंड पर जो अभ्यास हम जब करते हैं वो अभ्यास कर रहे हैं जैसे लगता है फुटबॉल टीम पंपक भोले। अगला टीम पुस्तक को जीतने के लिए पूरी तरह मेहनत करते हुए तो करना होगा। इस गेंद को लेकर के सुंदर असिस्ट विकास नायक के पास सुनील के लिए ये मुकाबला बस औपचारिकता बन गया है। 8 तारीख को है भाई लोग, ये मैच बस औपचारिकता। विकास नायक झारखंड के ये नायक है, विकास नायक मैच को स्लो कर चुके हैं और यहाँ पे होल्ड अप प्ले करते हुए बॉल को होल्ड कर रहे हैं, इधर तो देख रहे हैं और हाई फुट के यहाँ पर शिकार होते हुए जितना भी दोस्त चैनल सुने भाई मैच की समाप्ति हो गई है, टाइम और ये मुकाबला को जीत लिया है